Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. He's somebody who has a social work in his system. वो और उनकी वाइफ और उनकी डॉटर के माध्यम से दे टू सम फैंटास्टिक वर्क फॉर एनिमल वेलफेयर. इससे बढ़िया काम कुछ हो नहीं सकता. अगर इन्हें हम ऐसे ही एनकरेज करते हैं, हमारे बच्चे जो है इनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे. हमारे मेहमानों को, इसलिए मैं मेहमानों के पास पहले गया था क्योंकि हम सब कुछ नहीं. मैंने आप लोगों को कितना हिलता है मेरे, मजा लीजिए और हिंदुस्तान का मजा लीजिए. बोर्ड की तरफ से सबको शुभकामनाएं और ये और आधे इनकी तो बॉडियां देख के मैं डर गया. आज शाम को जिम जाना ही है. हाँ, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस सर. थैंक यू. आई थिंक क्रिकेट ऑन अ व्हीलचेयर कमाल की कॉन्सेप्ट. और ऑर्गेनाइजर्स को, एनजीओ को, पुटमैन जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यू नो ऐसे इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए. भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है और हम खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन इनकी आप अगर एनर्जी देखेंगे और उनकी स्पिरिट देखेंगे तो शायद हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है. इसलिए जब मुझसे कहा गया कि ऐसा एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच, तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना बहुत ही ज़रूरी है. मेरा हमेशा मानना है कि ज़िंदगी में हमें, ज़िंदगी ने हमें और ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम किसी भी तरह से इनके लिए और उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ कर सके तो बहुत बड़ी बात है. आई थिंक स्पेशली एबल्ड कहते हैं हमें, डिसेबल्ड नहीं कहते, लेकिन बट यस स्पेशल. आई थिंक ध्यान दे रहे हैं, अच्छे लोग ध्यान दे रहे हैं. अगर मीडिया ऐसे और फैलाए तो और फोकस रहेगा. मैं अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया के नाम से, और बहुत काम करते हैं हम लोग. स्पेशल बच्चों के लिए टूर्नामेंट भी लगाते हैं जहाँ महाराष्ट्र से कम 18-19 टीम्स आते हैं. तो आई थिंक इस बार भी महीने डेढ़ महीने में हम वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और उनकी उत्साह देख कर ही हमें मन करता है कि नहीं यार हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए. और कुछ तो वैसे ही इंडिविजुअल जब आगे आते हैं यू नो बहुत फ़र्क पड़ता है. इसलिए मेरा मानना है ज़िंदगी में हमेशा देकर भूल जाओ, लेकिन जब आप कुछ एक्सेप्ट करते हो उसको कभी भूलो मत. तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें और हर इंसान किसी न किसी कॉज से जुड़ा रहे तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है. बिना दूसरे क्या करते हैं वो देखे, अगर हम खुद करें तो वो बेहतर रहता है. सर, कभी कभी पॉलिटिकल रीजंस के लिए स्पोर्ट्स पर्सन या आर्टिस्ट को बैन किया जाता है, मतलब एक मैच के लिए या एक क्रिएटिव मीडियम के लिए, क्या कहना चाहेंगे, वो कितनी दुखी बात है? आई मीन डिपेंड्स, आज अगर आप पॉलिटिकली बात करो और अगर आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो जो हुआ उनको भुगतना पड़ा. लेकिन हर एक से गलती होती है, तो कहीं ना कहीं हमें माफ़ भी कर देना चाहिए. अगर हमें जेन्युइनली लगता है कि यू नो ये दोबारा उनसे नहीं होगा तो हमें माफ़ भी करना चाहिए, सिचुएशन देखकर करना चाहिए. और पॉलिटिकली हम फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव अगर उसे कंट्रोल किया जाए देन अपने आप पॉलिटिक्स स्टेज आउट ऑफ स्पॉट. मेरी बायोपिक बनने के लायक नहीं है, लेकिन संजय दत्त की बायोपिक बन रही है. और आई थिंक रणबीर से बढ़िया और कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रणबीर के पिक्चर्स भी देखो तो लगते ही है वो संजय दत्त इन हिज हेडेस. या थैंक यू. पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है
तीन रन बिना कोई नुकसान के एक शांत शुरुआत यहाँ पर। रुपे ने काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा वहां पर पेश किया। पहली गेंद सर बिल्कुल सटीक गेंदबाजी की, नबितुली गेंदबाजी, किसी भी तरह से बल्लेबाज को कोई रूम नहीं दिया कि अपने आर्म्स को फ्री करे और स्ट्रोक लगाए। वाकई में हम सभी आज अपने आप को भाग्यशाली समझते कि इस सुनहरे क्रिकेट अवसर का हिस्सा होने का मौका हमें मिला। और जितनी भी हम हौसला अफजाई करें दोनों ही टीम्स की उतनी कम होगी। जिस तरह से इंडिया की एक टीम पूरे क्रिकेटिंग ग्लोब पर छाई हुई है, उसी तरह से इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम भी बड़े कदमों से तेजी से इस फिजिकली चैलेंज क्रिकेट का पहला स्थान की तरफ तेजी से बढ़ती हुई। साइड स्क्रीन लगाए, साइड स्क्रीन, ओके। ग्राउंड्समैन हमारे वॉलंटियर्स प्लीज, साइड स्क्रीन की जरूरत है यहां पर हमारे मंच के सामने। साइड स्क्रीन को जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज किया जाए प्लीज। We have with us at this point in time on stage Ispita Pati, who is the brand ambassador and jury member of the World Film Festival USA. She holds the crown for the Indian princess Miss Asia and is also a Bollywood actor. And more than anything else, she is associated with a lot of social work. She's a philanthropist and she's promised to be at this kind of events. She will definitely make her presence felt. She is not here just to add to the glamour quotient. She is indeed here to contribute in some way or the other towards this fantastic cause. A big, big thank you to Ispita.